हाय फ्रेंड्स, कुमुदिया फ्रॉम गुड़गांव हरियाणा। बहुत दिन से कोई वीडियो बनाया ही नहीं, सोचा आज अपडेट ही कर देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, इधर से शुरू करते हैं। ओके, ये अपराजिता के प्लांट्स हैं। ये देखिए, इसमें बड़े सारे शेड्स आते हैं, बहुत सारे इसमें कलर्स भी आते हैं। मेरे पास ये है और ऊपर कहीं टेरेस में लगे होंगे थोड़े बहुत। तो इनको मैंने स्टिक लगाकर इधर ही ऐसे ऐसे घुमा दिया है। तो इसमें क्या है, ये यहाँ पे जो है कॉम्पैक्ट रहेंगे और यहीं पे फ्लावरिंग करते रहेंगे, क्योंकि ये एक बेल है। तो बेल का जो नेचर होता है बढ़ने का होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसको बुश बनाना है तो इसको हमने स्टिक लगा के थोड़ा राउंड राउंड घुमा दिया है। तो देखिए, एक ये है और एक ये है। यहाँ पे धूप निकलती है तो ये खिल जाते हैं अपने आप से। फिर देखिए, ये पोचुलाकाज हैं, ये भी धूप में ही खिलेंगे। इनको मैंने इस तरीके से पिलर्स में लगा दिया है। यहाँ से थोड़ा बड़े पिलर से स्टार्ट किया है, फिर छोटा 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 छोटा, लाइक दिस। तो इसमें क्या है, जब ये पूरे खिलेंगे तो ये देखने में सुंदर लगेंगे। सालवियाज अभी पुराने ही चल रहे हैं, अच्छे खिल रहे हैं। सो मेरा तो मन नहीं है कि मैं इनको निकालूं, तो ये देखते हैं कितने दिन और चलते हैं। इनके सीड्स भी मैंने रख लिए हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे अच्छे खिलते जा रहे हैं और बहुत बुशी हैं। गार्डन को सुंदर बनाने के लिए हमें थोड़े बहुत हेजेस भी लगाने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। तो ये देखिए, ये है नियॉन कलर में हेजिंग। ये जो मैं आपको अपडेट दे रही हूँ फ्रेंड्स, ये समर्स के प्लांट्स का और जो हमारे स्प्रिंग के प्लांट्स अभी तक चल रहे हैं उन सब का है। तो ये जीनियाज मैं अभी थोड़े दिन पहले लेके आई थी, तो ये देखिए सब के सब यहाँ पे मैंने क्यारी में लगा दिए हैं। तो ये देखने में अब अच्छे लग रहे हैं। बड़े वाले जो अडेनियम है मेरे, वो टेरिस के अंदर हैं, टेरिस के ऊपर हैं और ये छोटे वाले जो बेबी एडेनियम्स हैं, इनको मैं नीचे लेकर आ गई हूँ, क्योंकि देखभाल करने के लिए छोटे पौधों का अपनी आँखों के सामने रहना ज़रूरी है, जिससे कि उनके ऊपर हमारी नज़र पड़ती रहे और उनको उनकी हम देखभाल करते रहें। क्योंकि जो छोटे पौधे होते हैं फ्रेंड्स, उनको देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर देखिए, यहाँ पर भी एक थोड़ी सी लैंडस्केपिंग की हुई है। जो हमारे स्पाइडर प्लांट्स हैं उनको मैंने इस तरीके से राउंड राउंड, ये वाले अरीका पाम के नीचे की तरफ इस तरीके से राउंड राउंड लगा दिया है। ये देखिए इस तरीके से। उसके पीछे जो है ये फॉक्स टेल है। सी नाउ आई विल शो यू माय पीस लिलीज, दे आर डूइंग वेरी वेल फ्रेंड्स। और यही मौसम है, इसमें हम खूब सारे अपने गार्डन में पीस लिलीज लगा भी सकते हैं और जो पुराने वाले हैं उसमें फ्लावरिंग भी पा सकते हैं। ये देखिए, पेंटाज अब बिल्कुल खिलने शुरू हो गए हैं, बहुत सारी बर्ड्स इसमें आ रही हैं और ये पूरे के पूरे अब खिलने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे बीच में जगह थोड़ी खाली हो गई थी, क्योंकि एक पेंटाज इसमें थोड़ा सा ड्राई अप हुआ था। आई शो यू हेयर, या हाफ ऑफ इट निकल आया है, इज डूइंग वेल, लेकिन थोड़ा सा जो है ख़राब हुआ था, तो वहाँ जगह थोड़ी खाली हुई, तो मैंने ये इसका पौधा यहाँ पे लगा दिया है, विंग का। और ये देखिए, ये जो पेंटास का प्लांट होता है फ्रेंड्स, ये एक पेरिनियल फ्लावरिंग श्रब है। आप इसको श्रब में बना सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं और लॉन में कहीं आप लगा लीजिए, ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो ये आप अपने गार्डन में ज़रूर से लेके आइए, एक बार लगा लेंगे तो सालों साल ये आपके गार्डन में बना रहेगा। ये जो डायंथस के फ्लावर्स हैं फ्रेंड्स, ये हम स्प्रिंग के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि ये स्प्रिंग में ही भर भर के फूल देते हैं। तो इनकी जो तैयारी होती है वो विंटर्स से ही शुरू हो जाती है और स्प्रिंग में आके ये खूब फ्लावर्स देते हैं। ये बायनियल प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मतलब दो साल चलते हैं। और जो है इनको आप खाद पानी देते रहें, इनका ध्यान रखें, तो ये दो साल तक आपके गार्डन में फूल देते रहते हैं। यहाँ भी कुछ जीनियाज के प्लांट्स मैंने लगाए हैं पीछे की तरफ। और ये देखिए, ये है प्रिमुला का प्लांट, ये सर्दियों का प्लांट है। अब ये सीड पे आ गया है, तो इसके सीड्स निकालूंगी मैं और रखूँगी और फिर से हम ट्राई करेंगे इनके प्लांट्स बनाने के लिए। इसी तरह ये वर्बीना का जो प्लांट है, ये देखिए, ये अभी तक फ्लावरिंग पे है,
जब इसके फ्लावर्स एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो इनको हम डेड हेड कर देते हैं, या मैं तो इसको पूरा का पूरा इस तरीके से पकड़ के पूरा दोनों हाथ से, और जितने ऊपर के फ्लावर्स होते हैं उनको सबको कैंची से कट कर देती हूँ। तो उसमें दोबारा से शूट्स आ जाते हैं और दोबारा से इसमें फ्लावरिंग हो जाती है। इस टाइम आप इसके सीड्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्प्रिंग का फ्लावर है और गर्मियाँ आते आते ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये है मधुकामिनी का प्लांट और इस समय ये पूरी फ्लावरिंग पे है। इसमें बड़ी अच्छी खुशबू होती है, पेरेनियल प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। एक बार लगा लेंगे तो ये आपके गार्डन से जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है, और पूरी गर्मियों भर ये भर भर के फूल देगा। इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है। ये हैवी फीडर है, इसमें खाद आप महीने में कम से कम अच्छे से डालें, थोड़ी केमिकल खाद या DAP भी मिक्स करें अपनी ऑर्गेनिक खाद के साथ, और फिर इसमें महीने में दो बार देते रहें तो ये इस तरीके से फ्लावरिंग करता ही रहेगा। वाटर प्लांट्स गार्डन में होना मस्ट है, क्योंकि हमारे गार्डन का मॉइस्चर मेंटेन करते हैं। ये पेनी वॉट है फ्रेंड्स, और यहाँ देखिए ये है वाटर लेटस। ये एक बड़ा सा बोल है, इसमें मैं अपनी कटिंग्स भी बनाती रहती हूँ। और देखिए यहाँ पे बहुत सारी जो बीज हैं, हनी बीज हैं, वो आकर यहाँ पे पानी वानी पीती रहती हैं, बिल्कुल किनारे से ये पानी पीती रहती हैं। तो ये इको फ्रेंडली आपका एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, इस तरीके का पानी का बोल जिसमें प्लांट्स लगे हुए हों, तो ये हमारे गार्डन में होना बहुत ही मस्ट है। ये गार्डन का एक कॉर्नर है जिसमें मैंने अपने सभी सिंगोनियम्स, मतलब जितने भी यहाँ पे आ सकते हैं उतने सिंगोनियम्स और फिलोडेंड्रॉन्स, ये देखिए ये फिलोडेंड्रॉन्स हैं, मॉन्स्टेरा फिलोडेंड्रॉन, और ये देखिए ये सॉन्ग ऑफ इंडिया। यहाँ पे जितने भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनको शेड की ज़रूरत होती है उनको सबको मैंने यहाँ पे रखा है। मॉस्टिक के ऊपर जो चढ़ते हैं प्लांट्स उनको भी यहाँ पे रखा है, और यहीं से इनकी मैं कटिंग्स तैयार करती रहती हूँ और नए नए प्लांट्स बनाते रहती हूँ। तो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, सिंगोनियम वगैरह और फिलोडेंड्रॉन, जो कि हर एक नोड पे हमें जो है नया शूट देते हैं, उनको हम इस तरीके से कॉर्नर में, जहाँ पे ज़्यादा धूप ना लगे, बहुत हल्की धूप लगे, उनको हम इस तरीके से रख सकते हैं अपने गार्डन के कॉर्नर में, और उनके नए नए प्लांट्स गर्मियों भर बना सकते हैं। ये देखिए ये तीनों तुलसी के प्लांट हैं, इसमें रामा और श्यामा दोनों ही तरह के तुलसी हैं, और इनको मैं अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, लॉन के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लेकर आ गई हूँ, और ये अब मंजरी बना रहे हैं। इसमें से थोड़ी बहुत मंजरी मैं सीड्स के लिए रख लूँगी और जो बाकी हैं उनको निकाल दूँगी, क्योंकि अगर हम मंजरी को रखते रहेंगे तो हमारा प्लांट बुशी नहीं बनेगा। तो थोड़ी बहुत सीड्स के लिए हम रख सकते हैं, बाकियों को हम निकाल दें तो ठीक रहेगा। ये देखिए ये प्लांट जो है ये कैक्टस वैरायटी का ही प्लांट है, और ये देखिए इस तरीके से फाउंटेन की तरह खिलता है, और इस तरह से ये ग्रो भी होता रहता है। तो नीचे के जो पत्ते हैं उन्हें मैं निकालते रहती हूँ, जो बहुत नीचे मुड़ जाते हैं वो थोड़े सूखते भी रहते हैं, और ऊपर की तरफ ये प्लांट बढ़ता रहता है। इसके जो बेबीज़ होते हैं वो भी नीचे से ही आते हैं, तो उनको निकाल कर हम नए नए प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये कॉर्नर्स में रखे हुए बड़े अच्छे लगते हैं, एक नए डिफरेंट टाइप का लुक देते हैं। ये चाइनीज़ ऑरेंज का प्लांट जो है ये मेरे गार्डन में एक न्यू एडिशन है, और ये एक बड़े से गमले में मैंने लगाया हुआ है। बहुत बड़ा गमला है इसके लिए, क्योंकि ये प्लांट बहुत बड़ा और बुशी हो जाता है। तो अभी जो है ये खाली अपनी रूट्स फैलाने में लगा है, और बाद में ये एक बुश बनेगा। एक ये कॉर्नर है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत कम धूप आती है, ज़्यादातर इनडायरेक्ट सन ही इन प्लांट्स को मिलता है, और जिसकी इतनी ही इन प्लांट्स को ज़रूरत होती है, ज़्यादा इनको धूप की ज़रूरत होती नहीं है। बाकी इनको जो है इनडायरेक्ट सनलाइट बहुत अच्छे से चल जाती है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे कॉर्नर्स आप अपने घर में ढूंढें जहाँ पे धूप कम लगती हो, वहाँ पे जितने भी आपके इंडोर प्लांट्स हैं उनको इकट्ठे इकट्ठे रख देंगे, तो आपके गार्डन का मॉइस्चर लेवल तो ये बनाएंगे ही, और ये अपने आप को धूप से भी बचा लेंगे, और सालों साल इस तरीके से चलते रहेंगे।
ये सिंगोनियम की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। सिंगोनियम एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड, जो कि स्टेम कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। तो ऐसे ऐसे प्लांट्स गार्डन में ज़रूर रखें, क्योंकि इनकी फॉलीज जो है बहुत एयर प्योरीफाइंग होती है और ये बहुत ईजिली प्रोपगेट भी हो जाते हैं। तो और इनको मेंटेन करना बहुत आसान है, मंथ में खाली एक बार आप इनको खाद दे देंगे तो ये चलते रहते हैं। साल्वियाज विंटर के प्लांट्स थे, मींस विंटर्स में हमने इनको लगाया था और स्प्रिंग में ये पौधे खूब फ्लावर्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं और बड़ी बड़ी बुशेस का फॉर्म ले लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने सारे ये साल्विया के प्लांट हैं, लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ 3-4 ही प्लांट्स हैं जो कि बुश का फॉर्म ले चुके हैं और देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। जैसे जैसे गर्मियाँ पास आते जाएंगी, ये अपनी सीडिंग करते रहेंगे, तो इस टाइम पे आप इनके सीड्स निकाल लीजिए और जो है अपने नेक्स्ट सीजन के लिए तैयार कर लीजिए। ये बहुत ही हार्डी प्लांट हैं, ज़्यादा कीड़े वीड़े इनको लगते नहीं हैं, बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं, लेकिन इनको भी 15 डेज़ में एक बार खाद देना ज़रूरी होता है। वो भी तब फ्रेंड जब इनका फ्लावरिंग का पीरियड होता है, जब इनका ग्रोथ का पीरियड होता है तब। ये जिंजर लिली का प्लांट है, गमले में लगा हुआ है और इसको मैंने पिछले साल लगाया था। पिछले साल तो इसमें कुछ फूल नहीं आए थे क्योंकि कीड़े का काफ़ी इसके ऊपर अटैक हो गया था। इस टाइम इस पर कीड़े का अटैक नहीं है और देखिए इस तरह से इनके पत्ते खुल रहे हैं। जैसे जैसे ये छोटे पत्ते होते जाएंगे, इसका जो लिली निकलेगा इसमें से उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये इसके पत्ते भी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इस समय हमें अपने सक्यूलेंट्स का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें आप इस ड्राई वेदर में ऊपर से भी स्प्रे कर सकते हैं और नीचे से भी उनकी सॉइल को मॉइस्ट रखें थोड़ा, लेकिन जैसे जैसे मॉइस्चर लेवल बढ़ेगा गार्डन में आप इनको कम पानी देना शुरू करें, क्योंकि नहीं तो इनकी रूट्स जो हैं सड़ जाती हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं कटिंग्स बनाती हूँ और पानी में डालते रहती हूँ। ये देखिए, तो गार्डन में ये काम नियमित रूप से चलता रहता है। सक्यूलेंट्स को मैंने थोड़ा धूप की साइड ही रखा है, हालांकि ये सीलिंग के नीचे हैं, लेकिन ये इनको डायरेक्ट धूप नहीं मिल रही है तो ये अच्छे चल रहे हैं। ये देखिए, ये कुछ एग्लोनिमा के प्लांट्स हैं, मनी प्लांट्स हैं, गोल्डन पोथोस, देन बर्किन। ये बर्किन का प्लांट है, फिलोडेंड्रॉन, देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये सारे ही पौधे इंडोर प्लांट्स हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनको धूप नहीं चाहिए। इनको इनडायरेक्ट और फिल्टर्ड धूप चाहिए, हल्की धूप चाहिए, और इनको भी खाना पानी जो है चाहिए ही। तो इनको मंथ में आप एक बार कुछ ऑर्गेनिक खाद के साथ कुछ DAP मिलाकर दे सकते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं फ्रेंड्स, थोड़ी मेंटेनेंस मांगते हैं। किसी किसी पौधे की सॉइल भी डिफरेंट होती है। ये देखिए, जितने हमारे ये एग्लोनिमाज होते हैं उनकी सॉइल डिफरेंट होती है और उसकी सॉइल हमें बहुत ही वेल ड्रेनिंग बनानी पड़ती है। तो इस टाइप के जो प्लांट्स हैं इनको, इनकी मेंटेनेंस भी थोड़ी हाई होती है, लेकिन ये बड़े अच्छे और थोड़े कॉस्टली टाइप के इंडोर प्लांट्स हैं जिनको कि मैं इस तरीके से मेंटेन कर पा रही हूँ। और इनकी मेंटेनेंस कैसे होती है गर्मियों में, वो वीडियो मैं अगली दफ़ा बनाऊंगी फ्रेंड्स। फिर देखिए, ये हैं कुछ हार्डी टाइप के इंडोर प्लांट्स। ये शफलेरा है, मनी प्लांट है, ये दूसरा शफलेरा है, फिर ये एक टाइप का सैक्यूलेंट है जो बास्केट में बहुत सुंदर लगता है, टैंगल्ड हार्ट इसको बोलते हैं, ये फिलोडेंड्रॉन है, ये हमारे कुछ इस टाइप के क्रोटन्स हैं। तो यू कैन मेक आउट इफ़ यू आर अ गार्डनर, यू नो द नेम्स ऑल्सो एंड दे आर कॉमन प्लांट्स। एंड ये देखिए, ये सारे के सारे मैंने थोड़ी सनलाइट वाले एरिया में रखे हैं। दे ऑल आर गेटिंग जस्ट फिल्टर्ड लाइट एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। सो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट्स हैं ज़्यादा इनकी मेंटेनेंस नहीं है जैसे एग्लोनिमाज वगैरह की होती है, लेकिन ये आपके गार्डन का काफ़ी एरिया कवर कर लेते हैं, उसको ग्रीन बनाते हैं और आपके घर की एयर को प्यूरीफाई करते हैं। रबर प्लांट एंड फिडल फिग प्लांट, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं फ्रेंड्स जो कि बहुत सेंसिटिव और डेलिकेट प्लांट्स और हार्डी प्लांट्स के बीच में आते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी केयर की तो इनको भी ज़रूरत है। तो इनको भी आप सेमी फिल्टर्ड
सनलाइट में रखना है इनको, नहीं तो इनके पत्ते थोड़े जलने और सूखने शुरू हो जाते हैं। पर ये बहुत अच्छे एयर प्योरीफायर होते हैं, घर के अंदर आप इनको आराम से रख सकते हैं। सबसे बढ़िया एयर प्योरीफाइंग प्लांट और ऑक्सीजन गिविंग प्लांट मुझे लगता है ये एरिका पाम। ये मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं और जो है ये बढ़ बढ़ के बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भी हो जाते हैं। आप इनको छोटा रखना चाहें तो छोटा रख सकते हैं, और इन्हें आप किसी भी कॉर्नर में रखें। इन्हें इस टाइम बहुत लाइट ना दें, और डायरेक्ट लाइट तो बिल्कुल भी नहीं, इन्हें सेमी लाइट में रखिए, इनडायरेक्ट फिल्टर लाइट में रखिए, या तो नेट के नीचे रखिए या छत के नीचे वरांडे में, तो वहाँ ये बहुत अच्छे चलते हैं। उसी तरीके से ड्रेसिनास और हमारे जितने भी फाइकस के प्लांट्स होते हैं वो सारे ही इस समय सन नहीं मांगते हैं, उनको शेड एरिया ही चाहिए। उसके बाद ये देखिए, ये फर्न्स आ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फर्न्स होते हैं घर में। ये वाले जो फर्न्स हैं, ये इसमें दो वैरायटीज़ होती हैं, एक कांटे वाली होती है और एक बिना कांटे की। जो कांटे वाली होती है वो थोड़ी लंबी लंबी चलती है, ये देखिए कितनी लंबी लंबी ये हो जाती है, ये देखिए इस तरीके से। और ये बास्केट में लगी हुई बहुत सुंदर लगती है, लेकिन ये वाली जो वैरायटी है ये बिल्कुल इसी की तरह लगती है, लेकिन ये छोटी ही रहती है, इसमें कांटे भी नहीं होते हैं। तो उनको हम इस तरीके से लगा सकते हैं, कोई भी आपका जो वॉल का पैराफिट है उसके ऊपर आप रख सकते हैं इनको, वो कवर हो जाएगा ग्रीन प्लांट से, और इट विल डू वंडरफुल एयर प्योरीफाइंग थिंग इन योर गार्डन। तो ये सब रखे हुए हैं यहाँ पे। ये एक मॉन्स्टेरा है जो सिर्फ मैंने एक बार लगाया है, तो इसने वॉल को कैच कर लिया है, और ये देखिए ये पूरा बढ़ता जा रहा है। इसमें से मैंने कटिंग्स भी बनाए हैं, बहुत इजी होती हैं, इसकी कटिंग्स आराम से बन जाती हैं। थोड़ा मौसम का बस ध्यान रखना पड़ता है, मौसम इसके लिए अच्छा होना चाहिए, टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर ना जाए, तभी इनकी कटिंग्स आराम से बनती हैं। अगर ड्राई वेदर हो जाए तो हम इन्हें कवर कर सकते हैं, कटिंग्स को कवर कर सकते हैं, प्लांट्स हमारे चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा गार्डन का, ग्राउंड गार्डन का अपडेट और प्लांट अपडेट्स एंड ओवरव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर का बटन ज़रूर से दबाइए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।